और डरते हम किसी से नहीं है, बस ये है कि लड़की है तो थोड़ा सा सॉफ्ट है। और मंच पे इज्जत हम भी उतार सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं, लेकिन हम नहीं बोलते हैं। चाहे वो खेसारी भैया रहे, चाहे पवन भैया रहे, जो भौंकता है उसको भौंकने दो, जो हमें नहीं जानता हम उसे नहीं जानते। अनुपमा कैसी भी है इनकी है, लोग इतना मानते हैं तभी तो लोग इतना जलते हैं यार यहाँ से। IVTV देखता है इंडिया। नमस्कार, मैं हूं जूली, आप सब देख रहे हैं IVTV। लेलो पुदीना गाने से मशहूर हुई भोजपुरी सिंगर अनुपमा यादव एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। दरअसल उन्होंने स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान ही अपने विरोधियों की इज्जत उतार देने की धमकी दी है। पहले आप देखिए ये वीडियो। लोग इतना मानते हैं तभी तो लोग इतना जलते हैं यार यहाँ से, क्या करें। और जिस भरोसे और विश्वास की बात आप कर रहे थे ना धनंजय भैया, याद रखिएगा जो इंसान मेरा नहीं हुआ ना वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता, याद रखिएगा। और डरते हम किसी से नहीं है, बस ये है कि लड़की है तो थोड़ा सा सॉफ्ट है और कोई बात नहीं है, नहीं तो डरते तो हम किसी से नहीं है। अपने से बड़ों की इज्जत करते हैं, अपने से छोटों को मानते हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिसको भी माने दिल से माने, चाहे वो कोई भी रहे, और चाहे मेरे बड़े रहे चाहे मेरे छोटे रहे, क्योंकि भैया ने एक ही बात सिखाई है, चाहे वो खेसारी भैया रहे चाहे पवन भैया रहे, जो भौंकता है उसको भौंकने दो, अपना काम करो, अपना काम बनता, इसलिए हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इनको जानते हैं कि ये बहुत अच्छे गायक हैं, ये बहुत अच्छे नायक भी हैं, आने वाले समय के बहुत अच्छे सुपरस्टार थे, हैं और जीवन भर रहेंगे हमेशा। बाकी हम और किसी को नहीं जानते हैं, जो हमें नहीं जानता हम उसे नहीं जानते, जो हमें जानता है। हमारे बीच में हमारे धीरेन्द्र धांसू भैया बैठे हैं, खेसारी टू भाई, उनके डांस के तो हम सभी दीवाने हैं। अनुपमा कैसी भी है इनकी है, ये चाहेंगे तो मैं अभी घर चली जाऊंगी, और ये चाहेंगे तो मैं यही रहूंगी, मुझे कोई हिला नहीं सकता है। और आज इन्हीं की देन है कि बिहार में लोग भेज दिए थे, लेकिन यूपी वाले मुझे संभाल के रखे। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के दो दिग्गज कलाकार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच इन दिनों तकरार काफी तेज है, लेकिन इन सब के बीच अब लेलो पुदीना की मशहूर गायिका भी भड़क गई हैं। अनुपमा ने एक स्टेज शो के दौरान बिना नाम लिए ही अपने विरोधियों की इज्जत उतार देने की धमकी दे दी। और मंच पे इज्जत हम भी उतार सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं, लेकिन हम नहीं बोलते हैं। बता दें कि जब बीते दिनों पवन खेसारी का मामला गरमाया तब भी उन्होंने लाइव आकर कहा था कि दोनों सुपरस्टार्स के बीच की लड़ाई में कुछ लोग घी डालने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने सुधर जाने की चेतावनी दी थी। एक बार फिर से वो अपने इसी बेखौफ अंदाज में अपने विरोधियों को खुला चैलेंज देती नजर आईं। बता दें कि अनुपमा पहली बार स्टेज पर नहीं भड़की हैं, वो इससे पहले भी अपनी बेबाकी की वजह से सुर्खियों में आ चुकी हैं। कुछ समय पहले ही अनुपमा स्टेज पर भोजपुरी गायक गोलू राजा के साथ परफॉर्म कर रही थी, जिसके दौरान गोलू राजा ने दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे आयांश को लेकर कुछ आपत्तिजनक बातें कही थी। अनुपमा ने स्टेज पर ही गोलू राजा को खरी खोटी सुना दी थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक छोटे से गांव में जन्मी अनुपमा आज भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी हस्ती बन गई हैं। भोजपुरी के सक्सेसफुल स्टार्स के लिस्ट में अनुपमा यादव का नाम भी शामिल है। हर गाने सुपरहिट होते हैं और हर जगह बजाए भी जाते हैं। अपने गानों का क्रेडिट अनुपमा खुद नहीं लेती, अपने दर्शकों और अपने साथ के काम करने वाले लोगों को देती है, लेकिन अपने विरोधियों को उनकी हद में रखना भी बखूबी जानती है।